बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल जद्दाड़ है। मैं रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे इस वीडियो के साथ रहें। मेरे तो मज़ेज नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक 5 मरला घर की वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। अंदरूनी शहर में इसकी लोकेशन बनती है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, गैस और बिजली यहाँ पर मौजूद है। एक गेटेड कम्यूनिटी में ये मकान मौजूद है। थोड़ी सी ये बारिश वगैरह आई थी तो पानी सामने खड़ा है, इसके लिए माजरत, क्योंकि बारिश जब होती है तो फैसलाबाद का सीवरेज सिस्टम हर जगह पे इस तरह का ही है कि इतनी जल्दी पानी वगैरह वो नहीं सीवरेज में निकलता। रंग पेंट का काम हो चुका है, मकान थोड़ा सा यूजेबल है। अंदरूनी शहर इसकी लोकेशन बनती है, बहुत मुनासिब कीमत में मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हर तरह की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो गैराज सेंटर हो रहे हैं, बड़ी गाड़ी का इजीली गैराज आपको मिल जाएगा। नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया है, नक्शा बड़ा बेहतरीन इसका बनाया गया है, वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया, मकान थोड़ा सा हवादार है। ये मकान फार सेल है, टोटल 5 मरले का ये घर है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो 30 फिट इसका फ्रंट है और 45 फिट इसकी लेंथ है। 270 स्क्वायर फुट का मरला है। रजिस्ट्री इंतकाल वाली ये प्रॉपर्टी है। तो लोकेशन की बात की जाए तो ये मुस्लिम टाउन फैसलाबाद में ये मकान मौजूद है। एक गेटेड कम्युनिटी है, सोसाइटी बहुत प्यारी है, लोकेशन इसकी बहुत प्यारी है। अगर यहाँ पे जगह के रेट की बात की जाए तो 20 लाख रुपया, तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से यहाँ पर रेट की वैल्यू निकाली जाती है। गैराज के साथ ही आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में ज़रा ठहर ठहर के बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी सफाई से मैं ये सारी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दिखाई जाए। और मौके पे भी आएंगे तो इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें मिलेंगी। ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग की गई है। मकान में पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा यूजेबल है, कोई 5-7 साल मकान पुराना है लेकिन अच्छी हालत में खड़ा है। मकान को कहीं पर दीवारों वगैरह को कोई सैलाब वगैरह नज़र नहीं आई। लंटर वाला घर, गैराज के साथ ही ऊपर वाले फ्लोर पर सीढ़ियाँ जा रही है और सीढ़ियों के नीचे एक बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम में टाइल वर्क का काम किया गया है, बेहतरीन साफ सुथरा घर आपको मिल जाएगा। अगर इसकी रेंटल वैल्यू की बात की जाए तो तकरीबन 45 से यानी कि 50,000 तक, 50,000 तक इसका रेंट आ सकता है। तो सामने जा रहे हैं, दरमियान में इसकी एक गली दी गई है। ये अक्सर नक्शों में तो होता है, सामने गैराज सेंटर हो तो टीवी लॉन वगैरह होता है, लेकिन इसका नक्शा थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया गया है। एक गली दी गई है बिल्कुल, और साथ ही ये आपको एक बेडरूम मिल जाएगा। नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया, दरवाजे वगैरह जो है लकड़ी के वो अच्छी हालत में खड़े हैं। रंग पेंट का काम ये दोबारा हुआ है, थोड़ी सी यह सफाई वगैरह होने वाली है। मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड है, छोटे बड़े मकान की हर तरह की मैं अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ। बड़ी कोशिश करके, बड़ी मेहनत करके, ताकि हर जगह के रेट का आपको पता चल जाए। घर बैठे बैठाए आपको विजिट हर तरह की यानी कि प्रॉपर्टीज़ रियल स्टेट के हवाले से मालूमात दी जाती है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बार बार रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन अक्सर दोस्त पता नहीं उनको क्या होता है, वो लाइक करना भी पसंद नहीं करते। हालांकि उनका कुछ जाता नहीं है, अगर वो लाइक कर देंगे तो हमारे फेवर हो जाती है। इतनी सी सपोर्ट ज़रूर किया करें। अगर टोटल मकान के बेडरूम की बात की जाए तो आपको टोटल 4 बेडरूम मिलेंगे। एक बेडरूम पहले आप देख चुके हैं, दूसरे बेडरूम में इंटर हो चुके हैं। नीचे ये सनी ग्रे वगैरह का पत्थर वगैरह लगाया गया है। इसकी बैक साइड पे आपको ये एल्युमिनियम की खिड़की मिल जाएगी। वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, वेंटिलेशन बड़ी प्यारी है। मकान थोड़ा सा हवादार है, रोशनी वगैरह भी आती है। ये मैं रोशनी पर ही वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि इस कमरे में लाइट वगैरह नहीं चल रही क्योंकि ये पहले रेंट आउट हुआ था, अब रेंट वालों ने खाली कर दिया तो अब इसको सेल करना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस मकान में कितनी रोशनी आ रही है। इसके साथ आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। इसके में सीट और कमोड दोनों इंस्टॉल हैं। टाइल वर्क का काम किया गया है। सीलिंग डिजाइनिंग हर कमरे में मुख्तलिफ किस्म की गई है। दरवाजे लकड़ी के बड़ी अच्छी क्वालिटी के बेहतरीन लग रहे हैं। ये सामने आपको अल्मोनियम खिड़की मिल जाएगी। बैक साइड पे आपको एक वेंटिलेशन भी मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे के साथ आपको एक स्टोर रूम मिल जाएगा। इसमें अलमारी वगैरह, ये सूटे में अलमारी वगैरह बनाई गई है। ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग, इसमें भी मार्बल वगैरह लगाया गया है।
मेरे पास हर तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, छोटे बड़े मकानात हैं, प्लाट हैं, पूरे फैसलाबाद के हवाले से आप मालूमात ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मैं नंबर अपनी वीडियो में शो करवाता हूँ, तो नंबर पर रब्ता करके मैं काफ़ी सारे दोस्तों को मालूमात देता हूँ। आप मुझसे कोई चीज़ सेल परचेज करें या ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन ये आपको फ्री मालूमात की सहूलत दी जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाया करें। तो ये टीवी लोन देख सकते हैं, टीवी लोन में ओपन ही किचन वगैरह मिल जाएगा, किचन के कैबिनेट वगैरह ये बने हुए हैं, ओपन किचन है। टीवी लोन काफ़ी बड़ा बनाया गया है, नीचे मार्बल वगैरह, ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग भी आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो में सारी तमाम तार अपडेट मालूमात जो है वो वीडियो में बताई जाए, अगर फिर भी कोई बात मुझसे मिस हो जाती है तो हमारे नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो आप मुकम्मल देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। हालांकि ये लोकेशन डिमांड ये बुनियादी बातें जो होती हैं मैं वीडियो में बताता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे दोस्त फिर दोबारा कॉल करके उसी वीडियो के हवाले से लोकेशन और डिमांड का पूछ रहे होते हैं, हालांकि वो वीडियो में मैंने बताई होती है। लोकेशन इसकी दोबारा बता देता हूँ, मुस्लिम टाउन फैसलाबाद में ये मकान मौजूद है। गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे मौजूद है, बेहतरीन एरिया, मस्जिद इसके करीब है, स्कूल इसके करीब है, अलाइड हॉस्पिटल से अगर इसका फासला मालूम किया जाए तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर ये मकान बनता है। मुस्लिम टाउन और गुलिस्तान कॉलोनी ये बड़ी पॉपुलर सोसाइटी है फैसलाबाद के हवाले से, इनका शुमार किया जाता है। यहाँ पर रेट भी काफ़ी हाई है, यहाँ पे किराए पे या सेल परचेज के हवाले से बड़ी अच्छी मार्केट इस एरिया की होती है। तो ऊपर आपको 2 बेडरूम ही मिलेंगे, यानी कि मुकम्मल डबल स्टोरी ये नहीं है, इसको कहा जा सकता ऊपर सिर्फ इसके 2 बेडरूम ही आपको मिलेंगे। ये फ्रंट साइड पे आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे। ज़रा मैं अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ, विंटर वाला घर है तो अंदर जा रहे हैं, 1 बेडरूम में आपको दिखाता हूँ। ये सामने थोड़ा सा ये फाइबर के शेड वगैरह भी बना के लगाया गया है, तो नीचे मार्बल वगैरह आपको मिल जाएगा, सामने की तरफ अल्मोनियम की खिड़की वगैरह। बेडरूम आप देख सकते हैं ये ऊपर, यानी कि 2 बेडरूम आपको नीचे मिल गए और 2 बेडरूम आपको ऊपर मिल जाएंगे। तो इसके साथ आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा, बाथरूम भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें में टाइल वर्क का काम किया गया है, सीट वगैरह इंस्टॉल है, कमोड नहीं है, कमोड 1 बाथरूम में था नीचे वाले बेडरूम में, तो इसमें सीट वगैरह इंस्टॉल है, टाइल वर्क का काम किया गया। तो डिमांड की तरफ आ जाते हैं, तो इसकी डिमांड 1,70,00,000 रुपए की गई है। दोबारा डिमांड बता देता हूँ, 1,70,00,000 रुपए इसकी डिमांड की गई है। बाकी मौके पे कमी बेशी करवाएंगे अगर आपको पसंद आ जाता है, नहीं तो मालिक डिमांड करते रहते हैं, तो जब आपको पसंद आ जाता है तो बार्गेनिंग इस पर हो सकती है। तो दूसरा बेडरूम भी आप देख सकते हैं, नीचे मार्बल वगैरह लगाया गया है, ऊपर सीलिंग डिजाइनिंग रंग पेंट ये दोबारा करवाया गया है। फिर भी मज़ीद को मालूमात आप लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पर रब्ता करके मज़ीद डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लाट वगैरह को ख़रीदना चाहते हैं, कोई छोटा बड़ा मकान ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे नंबर पर रब्ता किया करें, इंशाल्लाह ताला ईमानदारी के साथ सर्विस दी जाएगी। तो गली का व्यू दोबारा आप कर सकते हैं, ये मुकम्मल रिहायशी इलाका है, गैस और बिजली यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा घर है, लोकेशन के ही रेट होते हैं क्योंकि अंदरूनी शहर में इसकी लोकेशन बनती है, इसकी वजह से यहाँ पे सेल परचेज के हवाले से अच्छे रेट मिल जाते हैं।